पहले जब भी आता था तो कुछ न कुछ लेकर के आता था, कुछ लोग देने के लिए आता था, कभी ये योजना, कभी वो योजना, कभी ये विकास का काम, कभी वो विकास का काम। आज मैं देने के लिए नहीं आया हूं, आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। सर झुका करके मांगने के लिए आया हूं, मेरे लिए नहीं, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मांगने के लिए आया। मैं आज आपके पास मांगने के लिए आया हूं, देश के उज्जवल भविष्य के लिए मांगने के लिए आया हूं। मैं आज आपसे मांगने के लिए आया हूं, विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए कुछ मांगने के लिए आया हूं। और मैं आपसे मांगता हूं, आपके आशीर्वाद, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, आपके आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है, और जब जनता जनार्दन आशीर्वाद देती है तो आशीर्वाद स्वयं ईश्वर के आशीर्वाद होते हैं। और यह आशीर्वाद देने का एक ही तरीका इन दिनों है कि आप कमल के निशान पर बटन दबा करके आपका आशीर्वाद मोदी को पहुंचाइए। पहुंचाएंगे, भारी मतदान करेंगे, ये आपका वोट ही है जिसने पिछले 10 वर्षों में देश को तेज विकास की गारंटी दी है। आपके एक वोट ने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। आपको पता है ना, दुनिया में मैं जब आपने मुझे काम दिया उसके पहले हम 11 नंबर पे थे, और इतने कम समय में हम 5 नंबर पर पहुंच गए। किसके कारण, किसके कारण, किसके कारण, किसके कारण, किसके कारण? अरे मोदी के कारण नहीं, आपके एक वोट के कारण हो गया है। ये आपके वोट की ताकत है, और मैं आज आपके वोट की ताकत का आपको साक्षात्कार कराने के लिए आया हूं। आपके एक वोट ने विदेशों में भारत का डंका बजा दिया। आपके एक वोट ने सीमा पर से हमें आंख दिखाने वाले दुश्मन के होश ठिकाने लगा दिए। और ये आपका ही एक वोट है जिसने अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद रामलला को भव्य मंदिर में विराजमान कराया।
बेटा आप वो फोटो लेकर के नीचे बैठ जाइए, पीछे लोगों को दिखता नहीं है, आप बैठ जाइए। जय श्री राम। और इन 10 वर्षों में ये जो काम हुआ है वो तो केवल एक ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो मुझे देश को, मध्य प्रदेश को बहुत आगे लेकर के जाना है। हमारे मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी और उनकी पूरी टीम जब से सरकार संभाली है वो भी एमपी के विकास को और नई शक्ति से जुटे हुए हैं। साथियों, बैतूल देश की एकता, अखंडता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले वीरों की धरती है। आदिवासी क्रांतिकारी सरदार गंजन सिंह जी कोरकू और सरदार विष्णु सिंह जी गौंड, उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन ये कांग्रेस ने कभी आदिवासी समाज के इस योगदान को स्वीकार ही नहीं किया। ये भाजपा है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। भाजपा सरकार में ही लाखों आदिवासी भाइयों बहनों को वन अधिकार का पट्टा दिया गया है। इन 10 वर्षों में पीएम आवास, उज्ज्वला सिलेंडर, बैंक खाते और मुफ्त इलाज जैसे अनेक काम हुए हैं। इन कार्यों ने आदिवासी समाज की, हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन से बहुत सी मुश्किलें कम कर दी है। साथियों, अगर सरकार की नीतियां सही हो तो अन्नदाता क्या कर सकता है, ये बैतूल के किसानों ने करके दिखाया है। इस क्षेत्र में रबी और मूंग की फसलों का उत्पादन जिस प्रकार से बढ़ा है, मैं हेलीकॉप्टर से उतर करके यहां पहुंचा, चारों तरफ मूंग 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 की बात हो रही है। और यहां भी तोहफा दिया तो मूंग का ही दिया। और इसमें तवा नदी पर बने डैम का बहुत बड़ा योगदान है। हरदा में मोरण गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना पर भी काम शुरू हो चुका है। आज एमपी के 80 लाख से अधिक किसानों को हमारी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि भी दे रही है। बैतूल इंदौर 4-लेन हाईवे जैसी सड़कें भी बैतूल के किसानों और लोगों के लिए कई बड़े अवसर खोल देगी। साथियों, 24 के इस चुनाव ने कांग्रेस पार्टी की कलई
देश के सामने खोल कर रख दी है। कांग्रेस का हिडन एजेंडा, खतरनाक हिडन एजेंडा, अब खुल करके देश के सामने आ चुका है। सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने वाली, डोंग करने वाली कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की मूलभूत भावना की भी हत्या कर दी है। अब ये खुलकर सामने आ गया है कि कांग्रेस पार्टी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से कितनी ज्यादा नफरत करती है। साथियों, आजादी के बाद कांग्रेस का सबसे बड़ा विरोध बाबा साहब आंबेडकर ने किया था। बाबा साहब दूर का देख सकते थे कांग्रेस देश को कैसे पतन के राह पर ले जा रही है, ये बाबा साहब ने उस समय देख लिया था। ये बाबा साहब आंबेडकर ही थे जिन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण दिए जाने का कड़ा विरोध किया था। हमारे संविधान निर्माताओं ने लंबे समय तक इसकी चर्चा की थी, हर प्रकार के दिमाग अप्लाई किए थे और हमारे संविधान निर्माताओं ने मिलकर के धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते ये निर्णय किया था। ये हमारे संविधान की मूल भावना थी, लेकिन कांग्रेस के कारनामे वो संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है। लेकिन कांग्रेस हमेशा बाबा साहब के संविधान को मिटाने और एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को छीनने की कोशिश करती रही है। कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी से आरक्षण छीनकर उसे अपने खास हम खास प्रिय वोट बैंक को देना चाहती है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब उन्होंने सबसे पहले आंध्र प्रदेश में धर्म आधारित आरक्षण की शुरुआत की थी, लेकिन तब कांग्रेस अपने मंसूबों में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई थी। लेकिन भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी अभी भी वो खेल खेलना चाहती है, चोरी छुपी से करना चाहती है, पर्दे के पीछे रह करके देशवासियों की आंख में धूल झोंक करके वो खेल खेलना चाहती है। कांग्रेस ने कर्नाटका में, ये जरा मेरे भाई बहन सुन लीजिए बराबर, कैसा पाप किया इन्होंने। कर्नाटका में ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है उस ओबीसी के कोटे से आरक्षण का हिस्सा छीनने के लिए पिछले दरवाजे से चोरी करने के लिए उन्होंने कर्नाटका में जितने मुसलमान हैं सभी मुसलमानों को ओबीसी बना दिया और ओबीसी के लिए मिला हुआ आरक्षण
उसको छीनने का पक्का षड्यंत्र पूरा कर दिया। कांग्रेस की ये हरकत पूरे देश के ओबीसी समाज के लिए खतरे की घंटी है। अपने मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस लगातार धर्म आधारित आरक्षण की बात कर रही है। तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में नाम लेकर कहा है कि वो मुसलमानों को आरक्षण दिलवा कर रहेंगे। साथियों, कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब कांग्रेस ने देश के लोगों की संपत्ति छीनकर उसे भी अपने वोट बैंक को मजबूत करने की तैयारी शुरू की है। अगर किसी के पास एक से ज्यादा गाड़ी, एक से ज्यादा मोटरसाइकिल, एक से ज्यादा घर होगा तो कांग्रेस कहती है कि हम ऐसा कानून बनाएंगे कि आपका जो एक से अधिक है वो कांग्रेस की सरकार छीन लेगी, जब्त कर लेगी। आपका गांव में घर है, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, शहर में एक घर बनवा लिया तो अब कांग्रेस कहती है वो ऐसा कानून लाएंगे एक ही घर रख सकते हो, दो है तो एक दे दो, ताकि वो अपने खास लोगों को बांटना चाहते हैं। वो कहते हैं एक्सरे करेंगे, एक्सरे देश का, और देश की महिलाओं के पास कितने गहने हैं उसकी भी जांच कराई जाएगी, किस महिला के पास कितना स्त्री धन है उसकी भी जांच कराई जाएगी, मंगलसूत्र कैसे छीन लिया जाए उसकी योजना बनाई जाएगी। ये सब संपत्ति सोना चांदी छीनकर कांग्रेस अपनी वोट बैंक मजबूत करने के खेल खेल रही है, और इस बात का वो कांग्रेस के नेता अपनी रैलियों में खुला ऐलान कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप अपनी संपत्ति किसी को भी छीनने देंगे क्या? छीनने देंगे क्या? ऐसे छीनने वालों को आप माफ करेंगे क्या? साथियों, कांग्रेस कैसे आपकी संपत्ति को लूटना चाहती है इसका एक और उदाहरण आज देश के सामने आया है। कांग्रेस के शाहजादे के सलाहकार, कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा है कि भारत में इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए, यानी आपके दादा दादी माता पिता ने जो कुछ भी बचाया है और उनके स्वर्गवास के बाद जो आपको मिलेगा उसमें से आधा कांग्रेस सरकार हड़प करना चाहती है। बताइए, आपके माता पिता ने जो मेहनत करके कमाई करके आपके लिए छोड़ा है वो उस पर आपका अधिकार है कि नहीं है? आपका अधिकार है कि नहीं है? ये आपके परिवार की मेहनत की कमाई है कि नहीं है? क्या आपको को छीनना चाहे तो छीनने देंगे क्या? लेने देंगे क्या? क्या ऐसा सोचने वाली कांग्रेस को सत्ता में आने देंगे क्या? क्या उनके लिए लूट चलाने का रास्ता खोल देंगे क्या? भाइयों बहनों, ये सोच कैसी है? अरे हमारे देश में तो
अलग संस्कार है, अलग संस्कृति है। और कांग्रेस के नेता इस बयान पर बवाल के बाद अब कांग्रेस झूठ बोल रही है कि ये तो शाहजादे के सलाहकार की व्यक्तिगत राय है। लेकिन सच्चाई ये है कि साल 2011 में भी कांग्रेस ने इनहेरिटेंसी टैक्स की वकालत की थी। कांग्रेस के तब के एक बड़े मंत्री ने प्लानिंग कमीशन में कहा था कि इनहेरिटेंस टैक्स का विचार किया जाए, विरासत पर टैक्स लगाने की कांग्रेस की पुरानी इच्छा से कांग्रेस इनकार नहीं कर सकती। साथियों, हमारे देश में मेहनत करके थोड़ा थोड़ा बचाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ न कुछ संपत्ति छोड़कर जाने की परंपरा है। कितना ही गरीब क्यों ना हो, लेकिन दादा सोचेगा, दादी सोचेगी, नाना सोचेगा, नानी सोचेगी, एक आध अगर चीज है तो संभाल के रखती है कि मेरी पोती बड़ी होगी ना तो उसकी शादी में काम आएगा, मेरा नाती बड़ा हो जाएगा तो उसकी शादी में काम आ जाएगा। 20-20, 30-30 साल तक वो संभाल करके रखते हैं, मुसीबत के समय में भी निकाल करके खर्च नहीं करते हैं। क्यों? उनके मन में यही इच्छा रहती है कि जाऊं तो बच्चों के लिए कुछ छोड़ करके जाऊं। अब ये लोग कह रहे हैं, अब जो छोड़ोगे ना उस पर आधा हिस्सा हमारा रहेगा। क्या आप ये मंजूर कर सकते हैं? ऐसी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में पैर रखने देंगे क्या? हिंदुस्तान में पैर रखने देंगे क्या? भाइयों बहनों, मुझे तो साफ दिखता है कांग्रेस का मंत्र है, आप भी ये मंत्र याद रखना कांग्रेस का, और घर घर जाके बताना ये क्या मंत्र है कांग्रेस का। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के साथ भी लूट, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के बाद भी, ये है कांग्रेस। इसलिए आपको कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। साथियों, आज जब देश 25 साल के लक्ष्यों पर काम कर रहा है, अगले 5 साल का रोडमैप बना रहा है, और सरकार में आने के बाद पहले 100 दिन के निर्णयों पर काम हो रहा है, तो इंडी गठबंधन वाले भी अपनी डफली, अपना राग आलाप रहे हैं। आपको ये सुनकर हंसी भी आ जाएगी और डर भी लगेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि इंडी गठबंधन वालों में चर्चा चल रही है, क्योंकि मोदी बार बार पूछता है कि बताओ भाई, इतना बड़ा देश किसको सुपुर्द करें, नाम तो बताना चेंज भाई। अब बिना नाम इतना बड़ा देश किसी को सुपुर्द कर सकते हो क्या? ये लोग नाम बताने को तैयार नहीं है। ये लोग तो बता दिए भाई मोदी है, बताओ आपको देना है तो ये मोदी है, दीजिए। कहा कि नहीं कहा, आपके सामने नाम है ना, दूसरी तरफ नाम ही नहीं है। इतना बड़ा देश किसको देना, इसका देश को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा बोलो ना, पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको पता है वो किसको देना चाहते हैं? पता है किसी को? तो ऐसा अंधेरे में हम तीर मार सकते हैं क्या? यहां तो साफ साफ है, 10 साल का अनुभव है,
मोदी आपके सामने है और सब लोगों ने कहा है कि भाई मोदी हमारा उम्मीदवार है। ये लोग इसका जवाब ढूंढ रहे थे, जवाब मिल नहीं रहा था, लेकिन अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट में आया है कि मोदी बार बार पूछ रहा है कि भाई बताओ तुम्हारा नेता कौन, जिसको किसको सुपुर्द करे। तो बोलते हैं उन्होंने फॉर्मूला बनाई है, उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग वन ईयर वन पीएम फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी एक साल एक पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, पांचवें साल पांचवा पीएम। बताओ भाई क्या होगा देश का, क्या होगा, क्या होगा, मुझे बताइए, देश बचेगा क्या, आपका सपना बचेगा क्या, आपके बच्चों का भविष्य बचेगा क्या? इसका मतलब ये पीएम की कुर्सी का भी ऑक्शन करने लग गए हैं भाई। बताइए जो बोली बोलेगा एक साल बैठेगा, और मजा क्या होगा फिर, जो एक ऊपर बैठेगा ना, चार लोगों कुर्सी की टांग पकड़ करके बैठ जाएंगे और मौके की तलाश में रहेंगे कि इसका साल पूरा कब होता है, उसको हिलाते रहेंगे। भाइयों बहनों, यूं तो जो सुनने के बाद लगता है कि या तो शायद मुंगेरी लाल के सपने जैसा होगा, लेकिन साथियों मैं आपको जागृत करना चाहता हूं, मैं चेताना चाहता हूं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहावत कहकर के सो जाने वाला मुद्दा नहीं है, ये बहुत डरावना खेल है, ये देश को तबाह करने वाला खेल है। ये सपना हसीन नहीं है, ये आपके सपनों को चूर चूर करने वाला खेल है दोस्तों, और इसलिए जाग जाइए, चेत जाइए, आपके वोट की ताकत समझिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देश को बचाने के लिए आप आगे आइए। जो रील्स में सोशल मीडिया पर लोग मजाक में कहते हैं, उस पर इंडी गठबंधन बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है। आप मुझे बताइए, आप इस एक साल एक पीएम वाले फॉर्मूले से सहमत है क्या? पांच साल में पांच पीएम आपको मंजूर है क्या? क्या देश को ऐसे परिस्थिति में छोड़ सकते हैं क्या? तो दुनिया के लोग मजाक उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे? तो दुनिया में देश का जो आज नाम बना है वो धड़ास से नीचे आएगा कि नहीं आएगा? ये जो चंद्रयान भेजा है, अब गगनयान भेजना है, वो जा पाएगा क्या? साथियों, 7 मई को हमारे इस क्षेत्र में चुनाव है, विदिशा में उम्मीदवार है हमारे भाई शिवराज जी, और यहां पर उम्मीदवार है हमारे दुर्गादास उइके जी। ये दोनों मेरे साथी संगठन में, मैं शिवराज साहब के साथ काम करते थे, वे मुख्यमंत्री थे, मैं भी मुख्यमंत्री था, हम साथ काम करते थे। वो पार्लियामेंट में गए थे तब मैं महामंत्री के नाते साहब साथ में काम करते थे, अब फिर मैं एक बार उनको ले जाना चाहता हूं। और उइके जी पार्लियामेंट में मेरे बहुत अच्छे साथी रहे जी, मेरे हर छोटे मोटे कामों की चिंता ये हमारे दुर्गादास जी करते थे,
इन दोनों को भारी मतों से जीताना है और बड़ी संख्या में आप जिता करके जब उनको वोट देते हैं ना, वो मोदी को शक्ति देता है। जब आम उनको वोट देते हैं तो वोट मोदी को पहुंचता है और इसलिए मोदी को मजबूत बनाने के लिए आप मतदान करें और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान होना चाहिए। कराओगे, घर घर जाओगे, मतदाताओं को मिलोगे, मतदान कराने के लिए कहोगे, उनको कहना आपका मतदान मोदी के लिए आशीर्वाद है, कहोगे आपका मतदान मोदी के लिए आशीर्वाद है, कहोगे पोलिंग बूथ जीतोगे। मेरा एक और अनुरोध है, करोगे? करोगे? बहुत लोग हैं जो यहां नहीं आए। जब मैं संगठन का काम करता था तो और नीचे तक जाता था, लोगों को राम राम करके आता था, लेकिन अब जा नहीं पाता हूं, देश भर में दौड़ना पड़ता है तो बहुत कम लोगों को मिल पाता हूं, लाखों लोग रह जाते हैं, लेकिन आप मेरे अपने हैं। तो एक काम बताऊं मैं आपको, आप करोगे? मेरे अपने हैं वो बता दे, करेंगे? जो मानते हैं कि वो मेरे हैं वो बता दे, करेंगे? पक्का करेंगे? एक काम करना, जो लोग यहां नहीं पहुंचे हैं उन पर जाना और कहना कि मोदी जी हरदा आए थे और मोदी जी ने